आप सभी को नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे कृपया लाइक कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मैथन इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता थे उनका, और अभी जो हम लोग जय हिंद का नारा लगाते हैं वो सुभाष चंद्र बोस की ही देन है। उन्हीं के द्वारा ये नारा लगाया गया था और ये नारा आज भारत का राष्ट्रीय नारा है और सबसे महान नारा है। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे और उनका एक और एक दूसरा नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उस समय का बहुत ही प्रचलित नारा था। सुभाष चंद्र बोस 23 साल की उम्र में ही उन्होंने ICS की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन उस समय अंग्रेजों का शासन काल था तो अंग्रेजों के शासन काल में भारत को आज़ाद करवाना अंग्रेजी शासन के साथ मिलकर संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने ICS का पद भी त्याग दिया था और उन्होंने भारत के आज़ादी के लिए इधर ज्वाइन कर लिया था। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। 23 जनवरी 2020 को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हैं। आज सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम कुछ उनसे सीखने का प्रयास करेंगे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। उन्होंने 1920 वर्ष में 23 वर्ष की आयु में जो है ICS की परीक्षा पास कर दी थी, लेकिन वो देश सेवा के लिए वो ICS के पद से त्याग दिए। उनका कहना था कि हम अंग्रेज के नियंत्रण में रह के अपने देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ICS के पद से त्याग पत्र देकर और देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1923 में वो कांग्रेस में शामिल हुए। उनके राजनीतिक गुरु CR दास के नियंत्रण में रह के उन्होंने राजनीति सीखा और उसके बाद से हीरापुर अधिवेशन में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1840 में उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र देकर एक अलग संस्था का गठन किया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद से 1942 में उन्होंने अंग्रेज उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो भारत से भागकर वो अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान से जर्मनी चले गए हिटलर से मदद लेने के लिए। वे हिटलर से मदद मांगे कि तुम हमारे हिंदुस्तानी सैनिकों को छोड़ दो और तुम्हें अगर दुश्मनी ब्रिटेन से तुम उसे सैनिकों को पकड़ लो। उसके बाद वो जापान चले गए। जापान से जाके वो आज़ाद फौज का गठन करते हैं। उसके बाद वहीं पर सिंगापुर आते हैं तो उसके बाद से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हैं और वहाँ के सेना भी उन्हें नेताजी कहकर संबोधित करती है। 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा द्वीप में उनका जो है विमान दुर्घटना में उनका मृत्यु हो गया। जय हिंद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।